गाइस, मिसलीडिंग ट्रैफिक लाने के लिए हम पहले सीखेंगे कि कैसे हम पोस्ट सेटअप करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि एड सेटअप कैसे करेंगे और कैसे और कहाँ से हम मिसलीडिंग ट्रैफिक लाएंगे, वो भी पुश का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले गाइस, हम एड सेटअप के बारे में सीख लेते कि कैसे आप एड सेटअप करेंगे अपने साइट में। तो गाइस, अगर हमें एड सेटअप करना है तो एड सेटअप करने के लिए हम प्लगइन यूज़ करेंगे एक, और उस प्लगइन का नाम है एड इंसर्टर। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐड को जनरेट करेंगे। तो गाइस, इसमें आपको ऐड इंसर्टर सर्च कर लेना है, और ऐड इंसर्टर एक प्लगइन है, उसको आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। तो इंस्टॉल कर लिया हमने और उसको हम अभी एक्टिवेट करेंगे। अब हम उसको एक्टिवेट करेंगे। तो गाइस, एड्स इंसर्टर को अभी हम सेटिंग्स में जाएंगे और अपना जो एड्स है उसको स्टेप बाय स्टेप सेटअप करेंगे। तो इसमें अब हम ऐड को सेटअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ऐड को सेटअप करते हैं। इसके लिए हम एडसेंस में जाएंगे, और एडसेंस अप्रूव होने के बाद आपको एड्स में ऑप्शन में आना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो एड्स कोड है वो जनरेट करना है। और अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एड कोड को कैसे जनरेट करेंगे। अभी बाई एड यूनिट्स पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको डिस्प्ले एड्स मिलता है, इन फीड एड्स मिलते हैं, इन आर्टिकल और बहुत सारे एड यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन हम डिस्प्ले एड्स और इन आर्टिकल एड्स को यूज़ करेंगे इसमें। तो डिस्प्ले एड्स में क्लिक करते हैं और हम कोई भी एक नाम दे देते हैं एड्स का, डिस्प्ले वन, ठीक है। और ये स्क्वायर साइज़ है, ये हॉराइजेंटल साइज है, और ये वर्टिकल साइज है। तो आप चाहे तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये साइड बार में लगाने वाला ही एड्स होते हैं। तो हम स्क्वायर को लेंगे और क्रिएट में क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे कोड को और डन करेंगे। गाइस, अभी हम जाएंगे ऐड इंसर्टर पे, इसमें कोड को पेस्ट करेंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो पोस्ट सेक्शन है उसको टिक करना होगा। इससे क्या होगा, ये जो एड्स हैं सभी पोस्ट के अंदर आने वाले हैं हमारे। और अभी इसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको एड्स कहाँ पे शो करना है। बिफोर पोस्ट में क्लिक करेंगे तो पोस्ट स्टार्ट होते ही ऊपर में आपका जो एड्स है वो शो होगा। आफ्टर कॉन्टेंट, बिफोर कॉन्टेंट आप चूज़ करेंगे तो क्या होगा, हेडिंग के बाद आपका एड शो होगा। तो पहला जो हमारा एड्स है, हम बिफोर पोस्ट लगाने वाले हैं इसके लिए, और इसको हम क्या करने वाले हैं, सेंटर कर देते हैं और सेव। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऐड कोड है वो लग चुका है, और अभी हम सेकंड ऐड कोड लगाएंगे अपना। इसके लिए हम सेकंड ऐड कोड जनरेट करेंगे, तो फिर से मैं एक डिस्प्ले एड्स जनरेट कर लेता हूँ। क्लिक करता हूँ डिस्प्ले टू, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं और क्रिएट में क्लिक करते हैं और डन करते हैं। और अभी हम सेकेंड ऐड कोड लगाने वाले हैं, ये रहा हमारा सेकेंड ऐड कोड। गाइस, ये जो ऐड कोड लगाने का जो सिस्टम है वो आपके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, आप किस प्लेस में और कहाँ कहाँ आप लगाना चाहते हैं। तो अभी जो हमारा सेकेंड ऐड कोड है वो हम लगाने वाले हैं आफ्टर पैराग्राफ टू, आफ्टर टू पैराग्राफ में हम लगाने वाले हैं उसको, भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम करने वाले हैं सेव, और फिर हम जाएंगे, हम इस बार इन आर्टिकल ऐड ले लेते हैं, आपका मर्ज़ी आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। तो इन आर्टिकल एड्स में लगाने वाला हूँ, और इसमें भी इसका नाम दे देते हैं डिस्प्ले थ्री। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कॉपी कोड करते हैं और डन करते हैं, ठीक है। और अभी हम ऐड इंसर्टर में क्या करेंगे, इसमें आएंगे और कोड को पेस्ट करेंगे। और अभी हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर कंटेंट हम शो करने वाले हैं एड्स को, ठीक है, और इसको हम सेंटर करने वाले हैं। इस तरीके से हमारा तीन एड्स लग चुका है, आप देख सकते हैं, और इसको सेव कर देते हैं। और लास्ट वाला एक ऐड कोड हम लगाने वाले हैं, टोटल चार ऐड कोड हम लगाने वाले हैं। और
इसके लिए हम फिर से डिस्प्लेट्स में जाएंगे और डिस्प्ले फूड रख देते हैं, और इसके लिए हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्रिएट कॉपी डन। तो यहाँ तक आपका जो है ऐड सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तीन तीन ऐड जो हमने सेटअप किया है वो ऐड इंसर्टर प्लगइन के ज़रिए सेटअप किया है। आप चाहो तो जैसे मैंने बताया पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि फुटर में ऐड कोड लगाना है, आफ्टर कमेंट लगाना है, आफ्टर पोस्ट, बिटवीन पोस्ट, आफ्टर इमेज, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कहाँ से ऐड लगाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब ऐड कोड बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा, बिफोर पोस्ट और आफ्टर पैराग्राफ और फिर आफ्टर कंटेंट। और अभी हमने जो लास्ट ऐड कोड कॉपी किया है वो हम बैठाने जा रहे हैं विजिट पे, साइट का जो विजिट सेक्शन होता है वहाँ पे बैठाने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे और विजिट्स में क्लिक करेंगे, और जो साइड बार है वहाँ पे हमारा एड्स हम शो कराने वाले हैं। तो गाइस विजिट पे आने के बाद आपको इसमें प्लस बटन मिलता है, इसमें क्लिक करके आप ले सकते हैं। मेरा प्लस बटन नीचे है तो इसमें क्लिक करके मैं एक कस्टम HTML लेके वो जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको बैठा देते हैं। ये आप प्रीव्यू करके भी देख सकते हो अपने एड्स को, और ये रहा एड्स। चलो इसको हम अभी ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि हमें साइड बार में दिखाना है और भी सबसे पहले दिखाना है, ठीक है। ये रहा हमारा एड्स और ये हमने अपडेट कर दिया। तो गाइस हो चुका है हमारा जो एड्स सेटअप सक्सेसफुल। तो गाइस हमारा जो एड सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मैंने एड्स लगाया है उस तरीके से आप अपने एड्स को लगा सकते हैं, और अगर आपका CTR ज़्यादा होता है तो आपका जो एड प्लेसमेंट है उसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका CTR ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, एड्स को घटाएंगे, प्लेस को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपका CTR कम है तो आप एड्स को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको CTR 8-9 से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें।